दोस्तों आज हम थ्रोन ऑफ सी की न्यू ट्रेलर 45 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं ली सीन को और हम देखते हैं उसके हाथ में एक फायर बॉल होता है और उसमें टाइम चल रहा था और ये देखकर ली सीन मास्टर से पूछती है कि इस फायर बॉल को क्या करना है। ये सुनकर मास्टर ली सीन के साथ साथ वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को एक एक टाइम फायर बॉल दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सभी में से किसी की भी टाइम फायर बॉल का टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो उसको सीधे ही पर्पल फायर मिरर परमिशन के पास जाना होगा और उससे अपनी कल्टीवेशन और एनर्जी को अब्सॉर्ब करना होगा, जिसके बाद में पर्पल फायर मिरर जो चीज होती है वो तुम्हें आगे जो कुछ भी स्वॉर्ड परमिशन में होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स के बारे में बताएगी। अब मास्टर की बातों को सुनकर हाओ चेन को ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किलों के बाद उसके पास अब स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल आई है और अगर कोई भी गलती हुई तो हो सकता है उसकी पर्पल मिरर फायर परमिशन में उसकी वो स्वॉर्ड ऑफ मिरेकल गायब हो जाएगी और इसलिए वो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। और अब उसका टाइम आने के बाद हाओ चेन सीधे ही पर्पल मिरर फायर परमिशन के सामने आ जाता है। उसके बाद पर्पल मिरर परमिशन में वो खुद दिखाई देने लगता है। तभी हाओ चेन नोटिस करता है कि पर्पल फायर परमिशन में जो उसकी प्रतिबिंब है वो बिल्कुल मुंह कर रही है, लेकिन वो तो खुद मुंह नहीं कर रहा है और उस पर्पल फायर में बहुत सारी ट्रेजरी भी क्रिएट हो रही होती है। अब देखते ही हाओ चेन को लगने लगता है कि यहाँ पर सायर भी आ चुकी है जिसके पास में टेलीपोर्ट फायर बॉल होता है। अब सायर की परमिशन होती है वो बिल्कुल हाओ चेन के सामने ही होती है जिसे सायर बात कर रही होती है। अब ये देखकर हाओ चेन को कुछ समझ नहीं आता है आखिर सायर यहाँ पर कैसे आ गई और सायर की जो परमिशन है वो उसके ही पर्पल फायर परमिशन मिरर में क्यों क्रिएट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ली सीन फायर परमिशन मिरर में अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी तलवार की एनर्जी को इंक्रीज करने लगती है, लेकिन उसकी फायर परमिशन मिरर में उसकी प्रतिबिंब बिल्कुल भी मुंह नहीं करती है। वो सीधे ही फायर परमिशन मिरर की तरफ जाती है और उस मिरर को टच करती है। मिरर के दूसरी तरफ जो ली सीन के प्रतिबिंब होती है वो रियल ली सीन से बात करने लगती है और ये देखकर ली सीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है आखिर कैसे उसकी प्रतिबिंब उसके साथ बात कर सकती है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है जिसमें से मास्टर निकल कर आते हैं और आते ही हाओ चेन से पूछते हैं कि क्या तुमने पर्पल फायर मिरर परमिशन को कंप्लीट कर लिया है। इस पर हाओ चेन मास्टर से कहता है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी मेंबर्स बचे हुए हैं, अगर आप भी चाहे तो पर्पल फायर मिरर परमिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बैटलफील्ड में हीट परमिशन का इस्तेमाल करते हुए आसपास की एरिया में एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट करते हैं, जिसके बाद हमें दिखाते हैं मास्टर की बचपन की लाइफ को। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।